संडे मार्केट में ब्लास्ट हुआ है, तो ग्रेनेड अटैक हुआ है। ये तो डिस्टेबलाइज करने के लिए कुछ शक्तियां काम करते ही रहते हैं, लेकिन भारत सरकार इसमें बहुत सख्त से काम ले रहे हैं। ये तो ऐसे नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, ये कम से कम ये नेशनल सिक्योरिटी के इशू के बारे में, क्योंकि चुनाव अभी हुआ है, नया सरकार आके 15-20 दिन भी नहीं हुआ है। मीटिंग हुआ है और हमने सुनील शर्मा जी को हमारे विधायक दल के नेता करके चुना है सर्वसम्मति से, और आज ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी, नया प्रदेश अध्यक्ष का भी नियुक्ति हुआ है। इस बीच में आज श्रीनगर में संडे मार्केट में ब्लास्ट हुआ है, तो ग्रेनेड अटैक हुआ है। ये तो डिस्टेबलाइज करने के लिए कुछ शक्तियां काम करते ही रहते हैं, लेकिन भारत सरकार इसमें बहुत सख्त से काम ले रहे हैं, कर रहे हैं, और उसके साथ ही साथ जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म, यही पॉलिसी रख के हम आगे बढ़ेंगे। और इसको जो कुछ भी कार्रवाई करना है, जम्मू कश्मीर सरकार और हमारे भारत सरकार मिलकर जरूर इसमें कार्रवाई करेंगे। और तो ये तो बहुत पुराना समस्या है, लेकिन इसको जड़ से उखाड़ के फेंक देने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। एनसी कांग्रेस इसको साजिश बता रही है। ये तो ऐसे नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, ये कम से कम ये नेशनल सिक्योरिटी के इशू के बारे में, क्योंकि चुनाव अभी हुआ है, नया सरकार आके 15-20 दिन भी नहीं हुआ है, ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगाना ठीक नहीं है। ये तो इशू इज ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी, ये नेशनल सिक्योरिटी में ऐसे बात करते, इसका अर्थ क्या होता है? जो हम पाकिस्तान को इसमें, जो पाकिस्तान ऑलवेज पाकिस्तान का इसमें हाथ है, हम बोलते आए हैं, तो पाकिस्तान को बल मिलता है या इनका इंटरनल मामला है, ऐसे पाकिस्तान बोल सकते हैं। इसलिए ऐसे भाषा बोलना बिल्कुल देश के हित के लिए विरुद्ध है। कांग्रेस पार्टी और एनसी को कम से कम इतना तो समझना चाहिए। मीटिंग हुआ है और हमने सुनील शर्मा जी को हमारे विधायक दल के नेता करके चुना है सर्वसम्मति से, और आज ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी, नया प्रदेश अध्यक्ष का भी नियुक्ति हुआ है। इस बीच में आज श्रीनगर में संडे मार्केट में ब्लास्ट हुआ है, तो ग्रेनेड अटैक हुआ है। ये तो डिस्टेबलाइज करने के लिए कुछ शक्तियां काम करते ही रहते हैं, लेकिन भारत सरकार इसमें बहुत सख्त से काम ले रहे हैं, कर रहे हैं, और उसके साथ ही साथ जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म, यही पॉलिसी रख के हम आगे बढ़ेंगे। और इसको जो कुछ भी कार्रवाई करना है, जम्मू कश्मीर सरकार और हमारे भारत सरकार मिलकर जरूर इसमें कार्रवाई करेंगे। और तो ये तो बहुत पुराना समस्या है, लेकिन इसको जड़ से उखाड़ के फेंक देने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। एनसी कांग्रेस इसको साजिश बता रही है। ये तो ऐसे नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, ये कम से कम ये नेशनल सिक्योरिटी के इशू के बारे में, क्योंकि चुनाव अभी हुआ है, नया सरकार आके 15-20 दिन भी नहीं हुआ है, ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगाना ठीक नहीं है। ये तो इशू इज ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी, ये नेशनल सिक्योरिटी में ऐसे बात करते, इसका अर्थ क्या होता है? जो हम पाकिस्तान को इसमें, जो पाकिस्तान ऑलवेज पाकिस्तान का इसमें हाथ है, हम बोलते आए हैं, तो पाकिस्तान को बल मिलता है या इनका इंटरनल मामला, ऐसे पाकिस्तान बोल सकते हैं। इसलिए ऐसे भाषा बोलना बिल्कुल देश के हित के लिए विरुद्ध है। कांग्रेस पार्टी और एनसी को कम से कम इतना तो समझना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।